कि जिसके लिए राजनीति धंधा हो वह राजनीति करे। तो मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एंट्री हो रही है। प्रशांत किशोर ने कल प्रेस वार्ता कर ये जानकारियां दे दी और इसको लेकर अब सत्ता और विपक्ष के गलियारे में खलबली सी मच गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को राजनीतिक धंधेबाज बता दिया और कहा कि पहले भी 90 के दशक में बूथ लुटेरे थे और उनको नेता मंत्री बना दिया गया और अब प्रशांत किशोर एक नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। देखिए 90 के दशक से पहले जो कांग्रेस के नेता होते थे उनमें एक तबका था, कुछ लोग तो राजनीति सेवा के माध्यम से आते हैं पर कुछ लोग बूथ लूटने के माध्यम से आए और उनके लिए बूथ लूटा जाता था। फिर जो बूथ लुटेरे और गुंडे थे वो सोचे कि हम इनके लिए बूथ क्यों लुटवाएं, इससे अच्छा हम क्यों नहीं विधायक सांसद बन जाए। तो 90 के दशक में लालू जी के राज में एक तबका आया, किसी भी समाज का गुंडा मवाली हो वह विधायक और सांसद बनना शुरू हो गया। 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहता था कि हम जाति के नाम पर समाज सेवा में आए, हमको कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद वो जाति का मीटिंग करेगा समाज सेवा के नाम पर और फिर नेता बन के उनको बेचने का काम करेगा। यह एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, पहली बार है कि कोई राजनीतिक धंधेबाज जिसका धंधा राजनीति हो वह अब आए हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। राजनीतिक धंधेबाज हैं तो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे धंधा चलाना है, लेकिन यह एक अच्छा प्रयोग है कि जिसके लिए राजनीति धंधा हो वह राजनीति करे। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को राजनीतिक धंधेबाज बता दिया और कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं और इस तरह की जो राजनीति है उसको बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे थे एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहे थे एसजी न्यूज़।